नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे कुछ नंबर्स आते हुए दिखे हैं आज के सेशन में, उनके बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। डाटा पैटर्न्स, डीमार्ट, नवीन फ्लोराइन, इन सबके नंबर्स आए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे रिजल्ट को डिस्कस करना। सबसे पहले बात करते हैं डाटा पैटर्न्स के बारे में। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक लगभग 2.25% गिरकर बंद होता हुआ दिखा है। स्टॉक के नंबर्स की बात करें तो पहले बता दूं, 4.5 रुपए पर शेयर का निवेशकों को डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो सबसे पहले तो मुबारक हो डाटा पैटर्न्स के शेयर होल्डर्स को। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो कंपनी का साल दर साल 61.6 करोड़ से घटकर 55.3 करोड़ पे आया, यानी कि साल दर साल प्रॉफिट घटा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़िया बढ़ा है। 33.3 करोड़ के सामने 55.3 करोड़ पे आया, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80% का जंप है प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आगे रेवेन्यू की बात करें तो 170 करोड़ के सामने 185 करोड़ पे आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 111 करोड़ के सामने 185 करोड़ पे है। तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह जंप करता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 87.4 करोड़ से घटकर 73.3 करोड़ पे आया। तो वही केस है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी है। रेवेन्यू देखोगे तो वो दोनों जगह बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन्स में देखें तो लगभग 51.28% से घटकर 39.63% पे आ गए हैं एबिटा मार्जिन्स। तो जो कंपनी लास्ट ईयर तक 50% से ऊपर के मार्जिन्स कर रही थी, वो अभी काफी ज्यादा नीचे आते हुए दिख रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब स्टॉक का प्राइस 3 महीने की बात करें तो जैसे क्वार्टर क्वार्टर पे नंबर अच्छे हैं, तो फिर भाई स्टॉक का प्राइस भी 13% ऑलरेडी एप्रिशिएट हो चुका है। किसी के पास है तो स्टॉप लॉस बनेगा 1437 रुपीज का। इनफैक्ट उससे भी नीचे स्टॉप लॉस आता है, वो भी बहुत दूर का, 1300 रुपए तक का। अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस तो हो रहा है बहुत दूर, 1590 की क्लोजिंग है कल की। तो हमारे पास सिंपल सा व्यू जो है इस स्टॉक में, फ्रेश लॉन्ग लेंगे जो अभी के रिसेंटली हाईज है, वो 1720 के समथिंग का वो निकलेगा था। और उससे पहले अगर कोई स्टॉक गिरावट में 1350 या 1320 पे आता है तो खरीदें, और स्टॉक में 1300 रुपए का या 1290 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लेके रख सकते हैं आप इस स्टॉक को। बट अभी ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है नंबर्स के दम पर, और नीचे आ रहा है तो लेने के मौके ढूंढने हैं। एक साल की बात करें तो एक बहुत ही शानदार रैली दी है, 140% की रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। जब स्टॉक आया तब से 210% के रिटर्न आपको ऑलमोस्ट बना के दे चुका है, सॉरी 110% के रिटर्न आपको बना के दे चुका है, कंटिन्यू हाइयर हाइज में चल रहा है। तो 1300 रुपए के करीब आता है तो 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं फ्रेश एंट्री ने, बट उससे पहले अवॉइड करें। नेक्स्ट डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए इस कंपनी के थोड़े दिन पहले अपडेट आए थे, अपडेट में कंपनी की ग्रोथ जो थी वो बाजार के अनुमान के हिसाब से थोड़ी कम थी, जिसकी वजह से स्टॉक 5% तक टूटा था। उसके नेक्स्ट डे भी स्टॉक में गिरावट आई थी। अभी स्टॉक की बात करें तो नंबर्स आ चुके हैं, देखिए नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे ही दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे हल्का सा बढ़कर आया है, ये अच्छी चीज है। 426 करोड़ के सामने 460 करोड़ का है। रेवेन्यू 8786 करोड़ से बढ़कर 10500, तो ये तो अच्छे दिख रहे हैं नंबर। मार्जिन्स में ही प्रेशर है केवल आई थिंक। अगर कामकाजी मुनाफा देखें तो 740 करोड़ से बढ़कर 771 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेस पे, एंड एबिटा मार्जिन्स 8.41% से घटकर 7.28% पे आ गए। तो थोड़े से मार्जिन्स में प्रेशर है, बाकी कुछ नहीं है। स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से टेक्निकल बेसिस पे लेवल देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बाजार का अनुमान इस समय है नहीं, वरना मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आपको व्यू दे पाता कि भाई तेजी या मंदी। तो देखिए ऑलरेडी स्टॉक में एक मूव आया है, तो मुझे लगता है स्टॉक को गिरावट मिले तभी खरीदें। 3460 रुपए का स्टॉप लॉस है, कोई भी डिप आती है 3500-3450 के आसपास तो आप खरीदें। 3440 का स्टॉप लॉस है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए जितना 3400 के क्लोज आएगा उतना अच्छा रहेगा खरीदारी करने के लिए। तो 3400 के पास आसपास आता है, 3450 या फिर 3500, 3400 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठे। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरे को लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा आगे चल के, बने रहने की राय है। नेक्स्ट स्टॉक नवीन फ्लोराइन, इनफैक्ट इस स्टॉक को लेकर कमेंट भी आया है हमारे पास। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 7 रुपए पर शेयर का अपने शेयर होल्डर्स को, तो कांग्रेचुलेशंस। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी बढ़िया बढ़ता हुआ दिखा है, 75.1 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ का हो गया है, एंड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बढ़ा है, 408 करोड़ से बढ़कर 697 करोड़ हो गया साल दर साल। कामकाजी मुनाफा देखें तो 94 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ का हो गया है, डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन्स 23% से बढ़कर 29% पे ऑलमोस्ट आई है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो इतने शानदार नंबर है ये केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस कंपनी ने धमाका करा है। तो उसके लिए मुझे आपसे 2 मिनट लेंगे, बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिए, क्योंकि नंबर्स बहुत ही तंगड़े दिख रहे हैं। कंपनी की बात करूं अगर मैं तो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी बढ़िया जंप है,
तो ये स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए, बढ़िया मूव दे सकता है मंडे के सेशन में। स्टॉक का टेक्निकल बेसिस पे लेवल्स भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। 47-48 पे बंद हुआ है, एक साल में अच्छा मूव आया, कंटिन्यू हायर हाईज जा रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक में एक छोटा सा लेवल दूंगा 46.50 का, अभी से एग्जैक्टली 100 रुपए नीचे का। इन्हीं लेवल्स पे खुले या थोड़ा नीचे के लिए तो मुझे लगता है 4650 के स्टॉप लॉस से खरीद के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 5000 रुपए तक की जर्नी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो मेरी तरफ से तीनों स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, वो आपको समझो पसंद दोनों योगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।